क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों 100 देशों से अधिक देश घूमने के बाद भी गोडसे तो ना मिला, तब आखिरकार महात्मा गांधी जी को ही नमस्कार करना पड़ गया। अब दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं। दोस्तों एक पैरोडी यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, 100 से अधिक देश घूमने पर गोडसे तो ना मिला, गांधी के ही आगे नतमस्तक होना पड़ा। खैर दोस्तों पीएम मोदी के वायरल वीडियो को लेकर आए दिन उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। आपको बता दें यूक्रेन और पोलैंड से पीएम मोदी अपनी यात्रा को पूरा कर भारत लौटे। दोस्तों एयरपोर्ट से जुड़े पीएम मोदी का ये वीडियो विपक्ष के अब निशाने पर आ गया, जिसे लेकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा को ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से मौसम बदल गया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि पीएम मोदी के स्वागत वाला मौसम बदल गया है। दरअसल दोस्तों पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे दौरे की चर्चा हर तरफ है, चारों तरफ है, मगर जैसे ही पीएम मोदी अपनी यात्रा को पूरा कर वापस लौटते हैं तब ना तो कोई जोर शोर नजर आया और ना ही मीडिया में किसी तरह की कोई खबर दिखाई गई, और पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए ना तो कोई मंत्री पहुंचते हैं ना ही कोई अध्यक्ष पहुंचते हैं। और यही सब दिखाता है कि जब से लोकसभा इलेक्शन हुआ है तब से मामला बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। वहीं दोस्तों अगर वायरल वीडियो में देखें तो पीएम मोदी जैसे ही प्लेन से उतरते हैं तब वहां पर सिर्फ दो अधिकारी मौजूद होते हैं। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो अब विपक्ष के निशाने पर है, जिसे लेकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा को ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने इस वीडियो को लेकर कहा, युद्ध क्षेत्र से आने वाले विश्व गुरु का ऐसा नीरस स्वागत, बीजेपी वालों कुछ तो शर्म करो। एक और यूजर ने इस वीडियो पर कहा, नड्डा जी को चाहिए अब वो फूल मंत्री वाली इज्जत। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीबी ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा, आखिर क्यों नड्डा जी क्यों नहीं। खैर दोस्तों पीएम मोदी के इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।